हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन. टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश. उसकी टेक्स्ट बुक है ये जो NCERT की न्यू बुक आई है ना, ये वो है मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक. अब मैं बुक ओपन करती हूँ. उसका फर्स्ट लेसन है यूनिट 1, फर्स्ट डे एट स्कूल. आज ये हम लर्न करने वाले हैं. यूनिट 1, फर्स्ट डे एट स्कूल. ओके, सो टेक योर पेंसिल, नोटबुक, इरेजर एंड शार्पनर. हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 2. ये पोएम है. ओके, सो लेसन नंबर 1, फर्स्ट डे, FIRST, फर्स्ट डे एट स्कूल. स्कूल में मेरा पहला दिन, फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल. तो पहले मैं ये पोएम पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ, बाद में जो भी मैं राइट करती हूँ आपको मेरे साथ साथ राइट करना है. ओके, सो आई रीड. लुक एट द पिक्चर. क्या दिख रहा है आपको? कैन यू गैस? स्कूल दिख रही है और एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है. दिख रहा है ना? स्कूल बैग लेके, वाटर बैग है उसके पास और ये दूसरे हाथ में पेपर है. तो ये बच्चा है, वो स्कूल जाते हुए दिख रहा है हमको. ओके, तो ये पूरी पोएम है, ये इस बच्चे के ऊपर ही है. ये बच्चा क्या सोचता है स्कूल जाते हुए, बस इस पोएम में हमें यही लर्न करना है कि ये इस बच्चा स्कूल जाते हुए उसके दिमाग में क्या, कौन कौन से कैसे विचार आते हैं, कैसा वो थिंकिंग करता है, इसके ऊपर ही ये पोएम है. आई वंडर का मतलब क्या होता है? सोचना. आई वंडर मतलब आई, यहाँ पे आई किसको कहा गया है? ये बच्चे को कहा गया है. ये बच्चा सोच रहा है, मतलब ये बच्चा सोचता है, आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर. बच्चा सोच रहा है कि मेरी जो ड्राइंग है वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं. इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर, जो मेरी, मैं स्कूल में जाके जो टीचर मुझे ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, वो मैं जो ड्रॉ करूँगा ड्राइंग, वो दूसरे बच्चों की तरह होगी कि नहीं. देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, वो ऐसे कंपैरिजन करता है कि मेरी ड्राइंग होगी वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी. ठीक है, सेकंड, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है? घूरना. एक एक ही नज़र से हमको कोई घूरता है ना, उसे स्ट्रेस कहते हैं. तो ये बच्चा सोचता है कि बाकी सारे स्टूडेंट, यानी कि ये बच्चे होंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो मुझे घूरते ही रहेंगे. ठीक है, आई वंडर If they will like me or just be full of stares.
वो सोचता है कि बच्चा सोचता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स बाकी सारे बच्चे होंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर घूरते रहेंगे। ओके फिर से मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट आई वंडर इफ माई ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग मतलब जो हम चित्र पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना उसे ड्राइंग कहते हैं। वंडर का मतलब सोचना, गुड मतलब अच्छा। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर, मेरी ड्राइंग दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी। सेकंड आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, वो सोचता है कि बाकी सारे बच्चे होंगे क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर घूरते रहेंगे। नेक्स्ट आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन। आई वंडर मतलब ये बच्चा फिर से सोचता है कि जो मेरी टीचर होगी क्या वो मेरी मॉम जैसी दिखती होगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखती होगी। यहाँ पे ग्रैंड का मतलब क्या है, दादी, दादी माँ होती है ना हमारी, ग्रैंड मतलब दादी। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, वो बच्चा सोचता है कि जो मेरी टीचर होगी स्कूल में जो मुझे पढ़ाने आएगी वह क्या वो मेरी मम्मी जैसी दिखती होगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखती होगी। ये जो बच्चा है वो स्कूल जाते उसका फर्स्ट डे है। आपका भी अभी तो कोरोना है तो हम स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। तो जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तब भी आपको यही सारे विचार आएंगे कि हम फर्स्ट डे कि जो मैं मेरी क्लास टीचर होगी वो मेरी कौन सी कैसी दिखती होगी, मेरी दादी माँ की तरह दिखती होगी या फिर मेरी मम्मी की तरह दिखती होगी। तो ऐसे ही थिंकिंग ये बच्चा कर रहा है, उसका फर्स्ट डे है स्कूल में। नेक्स्ट आई वंडर इफ माई पपी का मतलब यहाँ पे जो डॉगी होता है उसके बच्चे को पपी कहते हैं, जो हम पालते हैं ना घर पे छोटा सा, गुजराती में गलूड़ियू कहवाए, जो ये जो पपी है वो सोचेगा कि जो मैं कहाँ चला गया हूँ, क्योंकि ये वैकेशन में ये बच्चा घर पे ही रहा होगा और घर में ही पपी के साथ खेलता होगा। तो ये बच्चा सोच रहा है कि मेरे बिना पप्पी को मेरी याद आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा बोल रहा है। इसलिए जो मेरा पप्पी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट डे पे स्कूल जा रहा हूँ। ओके आपको पता चला, मैं फिर से थर्ड से रिपीट करती हूँ। आई वंडर का मतलब सोचना, WONDER, अभी हम हार्ड वर्ड्स राइट करने वाले हैं, फिर बाद में हम पोएम राइट करेंगे। ओके पहले मैं आपको समझा देती हूँ पूरी पोएम की, ये पोएम में आपको क्या कह रहे हैं। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। आई वंडर का मतलब सोचना, टीचर का मतलब जो हमें पढ़ाते हैं शिक्षक वो, मॉम का मतलब मम्मी और ग्रैंड का मतलब दादी, लुक मतलब दिखती होगी, जो मेरे टीचर हो, बच्चा सोचता है कि जो स्कूल जाते हुए मेरी टीचर स्कूल में टीचर होगी वो मेरी मॉम जैसी दिखती होगी या मेरी दादी जैसी दिखती होगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम, जो मेरा पपी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ,
ये जो उसका पप्पी है ना, वो सोचेगा, मेरा पप्पी है, वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। कौन बोल रहा है? कौन ऐसा सोच रहा है? ये बॉय है, ये ऐसे उसके दिमाग में ऐसे सारे थिंकिंग आते हैं, इसके ऊपर ये पोएम बनी है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आई रिपीट अगेन, लुक एट हियर केयरफुली एंड हियर केयरफुली, ओके? आई वंडर इफ माई ड्रॉइंग विल बी एज गुड एज देयर। जो बच्चा सोचता है कि मेरी ड्राइंग दूसरे बच्चों की तरह अच्छी होगी कि नहीं होगी। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। ये बच्चा सोचता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते ही रहेंगे। जो मेरे मेरे साथ कलीग्स पढ़ते होंगे, वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे घूरते ही रहेंगे। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है ना, स्कूल में आपके बीच बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना। आप कभी कभी न्यू एडमिशन दूसरे स्कूल में जाके लेते हैं तो ऐसा कभी कभी बनता है कि वो आपके भी दिमाग में आता होगा कि ये नई नई स्कूल है, तो वो दूसरे सारे क्लास के बच्चे होंगे, वो मुझे घूरते होंगे या नहीं घूरते होंगे, ऐसा ये बच्चा भी सोचता है। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। ये बच्चा सोचता है कि जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मम्मी की तरह दिखती होगी या फिर मेरी दादी की तरह दिखती होगी। ठीक है, आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेर आई एम। वो सोचता है कि जो मेरा पपी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। ओके, अब देखो नीचे न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं आपको। न्यू वर्ड्स, वंडर, WONDER, वंडर, WONDER, वंडर, वंडर का मतलब सोचना, WONDER, वंडर। नेक्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब चित्र, DRAWING, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। स्टेयर्स, STARES, स्टेयर्स, स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब घूरना, जो हमें एक ही नज़र से घूरता है ना, उसे स्टेयर्स कहते हैं। देन GRAN, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब दादी माँ, GRAN, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब दादी। एंड लास्ट PUPPY, पप्पी, पप्पी का मतलब वो कुत्ती का बच्चा होता है ना, उसे पप्पी कहते हैं। ओके, अब पहले हम आपकी नोटबुक्स निकालो, मैं ये हार्ड वर्ड्स आपको 3 बार राइट करके देखती हूँ, फिर हम ये पोएम राइट करते हैं। ओके, अब मैं ये बुक से वो साइड में रख देती हूँ, नाउ हमें राइट करना है। सो टेक योर पेंसिल, नोटबुक, इरेजर एंड शार्पनर एंड लुक एट हियर। सब फिर से हेडिंग, जिसने भी अभी हेडिंग राइट नहीं किया है वो हेडिंग राइट करेगा। सब्जेक्ट इंग्लिश, और आपने अभी भी इंग्लिश की नोटबुक नहीं बनाई तो आज से बना लेना। फोल्ड लाइन नोटबुक है, जो फोल्ड लाइन नोटबुक आती है ना, उसमें ही आपको राइट करना है इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, लेसन नंबर 1, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, DAY, डे, एट स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन। ओके, तो हम इसमें पहले न्यू वर्ड्स राइट करेंगे। पहले मैं ये पोएम राइट करती हूँ, जो मैंने पोएम आपको समझाई ना, वो मैं राइट करती हूँ, आपको मेरे साथ साथ राइट करना है।
मैं स्लोली स्लोली ही राइट करने वाली हूं, क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ राइट करो, इसलिए। स्टार्ट। आई वंडर, WONDER, वंडर। फिर नीचे की लाइन में, इफ माई ड्रॉइंग। किसी को भी मैं जैसे भी जिस तरह राइट करती हूँ उसी तरह आपको राइट करना है, पूरी लाइन में राइट करना नहीं है, मैं नहीं चला लूंगी, क्योंकि ये पोयम है। पोयम में जैसे जिस लाइन में राइट किया होता है वही लाइन में हमें राइट करना है, ये हमें क्वेश्चन आंसर राइट नहीं करना है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पहली लीटी में आई वंडर राइट करवानू छे, देन सेकंड लाइन में हमें इफ माई ड्रॉइंग राइट करना है। राइट डाउन एवरी स्टूडेंट्स, आई वंडर, WONDER, वंडर। फिर नीचे की तरफ, आई के नीचे, इफ माई ड्रॉइंग, विल बी एस गुड एस देयर्स, इफ आई वंडर, इफ माई ड्रॉइंग विल बी एस गुड एस देयर। वो बच्चा सोचता है कि जो मेरी ड्रॉइंग होगी होगी वो दूसरे बच्चों की तरह अच्छी दिखती होगी कि नहीं दिखती होगी। ये मैं पोएम इस तरह राइट इसलिए राइट कर रही हूँ क्योंकि आपके पास अभी बुक्स आई नहीं होगी, टेक्स्ट बुक किसी के पास होगी नहीं, इसलिए मैं जो नोटबुक में राइट कर क्लास वर्क में राइट कर रही हूँ, आप सबको कंपलसरी राइट करना है। चलो राइट कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आपको नीचे की लाइन में राइट करना है, आई वंडर, WONDER। फिर नीचे की लाइन में, इफ दे विल लाइक मी। पहले आप राइट कर लो, आई वंडर, फिर नीचे की लाइन में, इफ दे विल लाइक मी, और थर्ड लाइन में, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि इफ दे विल लाइक मी, वो पसंद करेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे, मतलब वो मतलब बाकी सारे स्टूडेंट क्लास में होंगे, वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे घूरते ही रहेंगे। ओके, आई वंडर इफ दे, यहाँ विल है, ऊपर रेफ और डबल एल राइट किया है ना, उसका मतलब विल होता है, वो भविष्य में, भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है, दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। ओके, नेक्स्ट, अब नीचे की लाइन में हमें राइट करना है फिर से, आई वंडर, और जिस जिसका भी राइट करना लिख रह गया हो वो ये वीडियो फिर से देखेगा और फिर से ही इसमें मैं नोटबुक में जो मैंने राइट किया है वो देख देख के राइट करेगा। आई वंडर इफ माई टीचर, TECHER, टीचर विल, थर्ड लाइन में राइट करना है, विल
ब्लू लाइक मॉम और ग्रैन। मैंने फर्स्ट लाइन में राइट किया है जितना उतना ही आपको राइट करना है, सेकंड लाइन में जितना ही राइट करें टीचर तक तो आपको टीचर तक ही राइट करना है, फिर थर्ड लाइन ले लेनी है हमें, विल लुक लाइक मॉम एंड ग्रैन, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन। जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मॉम जैसी दिखती होगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखती होगी। ये जो हमने पोएम में ये बच्चे की मैंने ड्राइंग दिखाई ना स्कूल जाते हुए, उसकी हम पोएम राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई वंडर, सेकेंड लाइन में इफ माई पपी, पी यू डबल पी वाई, पपी, पपी का मतलब डॉग का बच्चा। आई वंडर इफ माई पपी, थर्ड लाइन में विल वंडर वेर आई एम, वेर आई एम, फुल स्टॉप। आई वंडर If my puppy will wonder where I am, वो बच्चा सोचता है कि जो मेरा पपी है वो सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। अब वो बच्चा ऐसा क्यों सोचता होगा, आपको भी ऐसा थिंकिंग आप करते होगे ना, क्योंकि वो पूरे वैकेशन में घर वो पप्पी के साथ ही खेलता होगा और ये बच्चे का फर्स्ट डे है स्कूल में जाते हुए, तो ऐसा सोचता है कि क्या मेरा मैं स्कूल जाऊंगा तो वो मेरा पप्पी सोचेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। ठीक है, अब आपको ये पूरी सारी पोएम क्लास वर्क में राइट करनी है। अब ये मैं यहाँ पे आपका ये फुल पेज नोटबुक में नहीं आएगा तो आप पेज टर्न करके बाकी की पोएम बाजू के पेज में राइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो बड़ा सा है, मेरी ड्राइंग बुक बड़ी सी है फिर, और आपकी नोटबुक छोटी होगी इसलिए आपकी पोएम ये पूरे पेज में आई नहीं होगी, तो आपको पेज टर्न करके बाकी की पोएम जो रह गई है उसमें आप राइट करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू वर्ड्स राइट करती हूँ, जो हमने यहाँ न्यू वर्ड्स हमने आज लर्न किए ना वो राइट करती हूँ। तो हेडिंग लगाइए आप सब, एन ई डब्ल्यू न्यू वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। इस पोएम में हमने जो भी नए नए वर्ड्स सीखे हैं उस वो हम राइट करेंगे, तो हमें थ्री टाइम्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर वंडर, मैं तीन बार राइट करती हूँ आपको भी थ्री टाइम राइट करना है, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, स्पीक एंड राइट, स्पीक एंड राइट, आप बोलेंगे और राइट करेंगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर वंडर। सेकंड, ड्रॉइंग, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग, तो मैं भी बोलती हूँ और राइट करती हूँ, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी
ड्रॉइंग। ओके, थर्ड वर्ड्स, आपकी नोटबुक में इतने सारे वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप नीचे की तरफ राइट कर सकते हैं। आपको पता ना चले तो आप अपनी मॉम को या डैड को पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी हम आपको स्कूल में बुला नहीं सकते नहीं है, लेकिन जब भी स्कूल खुलेगी तब मैं ये आपकी नोटबुक चेक करने वाली हूँ। इसलिए जो भी मेरे क्लास वर्क में और ये होमवर्क में जो भी मैं दूंगी वो आपको राइट नोटबुक पूरी करके रखनी है, क्योंकि इसके मार्क्स भी ऐड होने वाले हैं। जो आपने नोटबुक नोटबुक पूरी की होगी तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, थर्ड स्पेलिंग STARES, स्टेयर्स, STARES, स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब घूरना। यहाँ पोएम में आया था ना, जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, आई वंडर इफ दे विल लाइक मी, और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, वो मुझे घूरते होंगे, ऐसा आया था ना। सो स्पीक एंड राइट, स्पीक एंड राइट, STARES, स्टेयर्स, STARES, स्टेयर्स। लास्ट GRAN, ग्रैन। ये पोएम में कहाँ आया था? ये वर्ड्स विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, जो मेरी टीचर होगी वो मेरी मॉम जैसी दिखती होगी, और ग्रैंड, ग्रैंड मतलब दादी, ग्रैंड का मतलब दादी, GRAN, ग्रैंड। स्पीक एंड राइट, GRAN, ग्रैंड, GRAN, ग्रैंड। तो आज हम यहाँ तक ही लर्न करेंगे। अब मेरा टाइम भी हो गया है, तो आज का होमवर्क यही है कि जो मैंने क्लास में राइट किया, मतलब मैंने तो अभी फास्ट राइट किया है, लेकिन आप नोटबुक में ये पोएम और ये न्यू वर्ड्स 3-3 टाइम्स राइट करके रखना। ओके, गुड बाय।